लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, नाम से ही लग रहा है कि कोई दो वेक्टर है या तीन वेक्टर है, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे। देखो नाम से ही लग रहा है, रैखिकता परतंत्र सदिश, मतलब एक दूसरे पर वो डिपेंड है, परतंत्र है, डिपेंडेंट नाम में ही छुपा हुआ है। डिपेंडेंट कब बोलोगे? जब एक दूसरे पर आश्रित होगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैंने लिखा है 2α + 5β = 0। तो आप बताओ क्या अल्फा का वैल्यू बीटा पर डिपेंड है? हाँ, यहाँ से अल्फा इजिकल टू आएगा -5/2β, और बीटा का वैल्यू अल्फा पर डिपेंड है, यहाँ से बीटा का वैल्यू आएगा -2/5α। इसका मतलब यह है कि अल्फा का वैल्यू बीटा पर डिपेंड है और बीटा का वैल्यू अल्फा पर डिपेंड है। दिख रहा है आपको? यहाँ मैंने लिखा है 2α + 5β, यहाँ से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो -5/2β आएगा, है ना। वैसे अगर हम बीटा का वैल्यू निकालें तो यह आएगा -2/5α आएगा। ये आप देखिए, तो बताओ अल्फा का वैल्यू किस पर डिपेंड है? देखो अल्फा का जो वैल्यू है बीटा पर डिपेंड, और बीटा का वैल्यू किस पर डिपेंड है? अल्फा पर डिपेंड है। लेकिन ये अल्फा बीटा पर डिपेंड है, बीटा अल्फा पर डिपेंड है, इसी कारण दोनों लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा और बीटा का, इसका इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। बताओ उसका वैल्यू किसके इक्वल है? देखो जीरो के इक्वल है, है ना। लेकिन अल्फा और बीटा का जो कोफिशियंट है वो जीरो नहीं है, अल्फा और बीटा का कोफिशियंट जीरो नहीं है, और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वह जीरो के इक्वल है। तो अगर मैं लिखता हूँ a1α + a2β = 0, है ना, वेयर जहाँ पर a1 a2 जो है यह जीरो नहीं है, a1 a2 जीरो नहीं है, लेकिन a1α + a2β की वैल्यू जीरो है, तो बताओ क्या अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है? हाँ या ना। इस एग्जाम्पल में देख लो, A1 के लिए 2 है, A2 के लिए 5 है। तो आप बताइए क्या इस एग्जाम्पल से, यहाँ से आप देखिए, क्या अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है? यस yes. इसलिए हम अल्फा और बीटा को लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा -A2/A1β और बीटा का वैल्यू आएगा -A1/A2α, और हमने कहा है अल्फा और बीटा जीरो नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। कब? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो है, लेकिन ये जो कोफिशियंट है, ये जो कोफिशियंट है, गुणांक है, ये जीरो नहीं है, है ना, तभी ये अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ a1α1 + a2α2 + ann = 0, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इक्वल टू जीरो लिखा, वेयर जहाँ पर a1 a2 and so on an नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो कोफिशियंट है वो जीरो नहीं है, लेकिन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। तो बताओ α1 α2 αn लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे? ये जो कोफिशियंट है ये जीरो नहीं है, a1 a2 a3 an जीरो नहीं है, लेकिन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। तो क्या α1 α2 αn लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे? हाँ या ना? बिल्कुल कहलाएंगे, 100% कहलाएंगे। तो यदि ऐसा आता है, देन α1 α2 and so on αn is called linearly dependent। हिंदी में बोलेंगे रैखिकता परतंत्र है। हिंदी में लिखोगे तब α1 α2 and so on αn रैखिकता परतंत्र है, रैखिकता परतंत्र है। क्या कहा हमने? α1 α2 αn रैखिकता क्या है? परतंत्र है। चलिए हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को और अच्छे से समझते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं लेट, हमने मान लिया s = α1 α2 and so on αn, s में n वेक्टर्स हैं α1 α2 and so on αn,
ये हमने माना है, ठीक है। और हम इन जो वेक्टर है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह रैखिकता परतंत्र है। ये तभी कहलाएगा, देखो, इफ यदि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस 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 एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो है। ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस 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 एन अल्फा एन जीरो है, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर है ना। जहाँ पर वेयर, जहाँ पर ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो है ना, ये सारे जीरो नहीं है, ये सारे एफ के मेंबर है, कांस्टेंट है, सारे स्केलर हैं। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है। तो बताओ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, किंतु ये जो कोफिशियंट है जिसको आप स्केलर कहते हैं ए वन ए टू एन, ये एफ के एलिमेंट है, और ये जो एफ के एलिमेंट है इनके बारे में लिखा है नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, सभी शून्य नहीं है। तो बताओ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन क्या कहलाएगा? देन यस, एस इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। हिंदी में लिखोगे तो एस इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू एंड वन अल्फा एन रैखिकता क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र की परतंत्र बताओ, बोलो, रैखिकता परतंत्र कहलाते हैं। समझा? ये रैखिकता परतंत्र कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो है, लेकिन इसके जो कोफिशियंट है, उसके जो गुणांक है, वे सारे शून्य नहीं हैं, तभी ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को समझते हैं। मैंने माना मेरे पास एक वेक्टर है अल्फा वन, इसका वैल्यू है वन माइनस वन टू। कोई भी एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया, अल्फा वन जो है वन माइनस वन टू है, एंड अल्फा टू जो है ये है माइनस टू टू और माइनस फोर है। इस प्रकार से एक अल्फा वन है, दूसरा अल्फा टू। देन तब आप मुझे बताओ टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू क्या होगा? देखिए टू इंटू अल्फा वन करो तो टू इंटू आएगा वन माइनस वन टू और प्लस अल्फा टू, अल्फा टू है माइनस टू टू माइनस फोर, तो ये आ जाएगा टू का मल्टीप्लाई कर दो तो टू माइनस टू फोर प्लस माइनस टू टू माइनस फोर। ध्यान रखना अल्फा वन के लिए हमने लिया है वन माइनस वन टू, अल्फा टू लिया है माइनस टू टू माइनस फोर, हम निकाल रहे हैं टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, तो टू का मल्टीप्लाई हुआ अल्फा वन से और अल्फा टू का वैल्यू हमने लिखा है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो टू माइनस टू आएगा, इसका सेकंड से ऐड होगा तो माइनस टू प्लस टू आएगा, इसका थर्ड इसके थर्ड से ऐड होगा फोर माइनस फोर आएगा, ये आएगा जीरो जीरो जीरो, मतलब आंसर आ रहा है जीरो। अब आप देखिए टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू की वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, किंतु बताओ क्या अल्फा वन का कोफिशियंट जीरो है? अल्फा वन का गुणांक जीरो है क्या? अल्फा टू का कोफिशियंट तो वन आएगा है ना, अल्फा टू का जो कोफिशियंट है वन है, जीरो है क्या अल्फा टू का? अल्फा टू का कोफिशियंट बोलो, अल्फा वन का कोफिशियंट टू है, अल्फा टू का कोफिशियंट वन है, दोनों का कोफिशियंट जीरो नहीं है, लेकिन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। कोफिशियंट तो जीरो नहीं है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? जीरो है। तो बताओ यहाँ अल्फा वन अल्फा टू क्या कहलाएंगे? बोलो, बिल्कुल सही। तो आप बोल सकते हो दस अल्फा वन एंड अल्फा टू आर लीनियरली डिपेंडेंट। हिंदी में लिखोगे अतः अल्फा वन तथा अल्फा टू रैखिकतः परतंत्र हैं। अल्फा वन तथा अल्फा टू रैखिकतः परतंत्र हैं। अब हम आते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर।
इंडिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, हिंदी में कहेंगे रैखिकतः स्वतंत्र सदिश, रैखिकतः स्वतंत्र सदिश। अब नाम से ही लग रहा है डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब एक जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे स्वतंत्र होगा। ये देखिए, इफ यदि, यदि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस 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 ए एन अल्फा एन की वैल्यू जीरो है, और ये सूचित करे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का जीरो है, और ये सूचित करे कि ए वन भी जीरो हो, मतलब अल्फा वन को कोफिशिएंट जीरो हो, ए टू भी जीरो हो, अल्फा टू को कोफिशिएंट जीरो हो, इस प्रकार से सारे कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो। यदि ऐसा आता है तो ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। देन अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। हिंदी में लिखोगे तब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन को रैखिकता स्वतंत्र सदिश कहते हैं। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट को। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इफ यदि, यदि ए अल्फा प्लस बी बीटा जीरो आ रहा है, ए अल्फा प्लस बी बीटा जीरो आ रहा है, और ये सूचित करता है कि ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, दोनों जीरो हैं, है ना। ए का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए और बी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, तभी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ऐसा बोलता है, अगर ए और अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो कोफिशेंट ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू जीरो एंड कोफिशेंट ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, दोनों का कोफिशेंट जीरो होना चाहिए, दोनों के दोनों जीरो होना चाहिए, ए भी जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएगा बताओ। देन बिल्कुल, अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड, आर कॉल्ड लीनियरली, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इंडिपेंडेंट वेक्टर, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने मान लिया अल्फा वन है हमारा 100 है और अल्फा टू हमारा है 010 एंड अल्फा थ्री जो है ये है 001। तीन वेक्टर्स हैं, एक अल्फा वन है, दूसरा अल्फा टू, तीसरा अल्फा थ्री। मैं ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो लेके चल रहा हूँ। अब मुझे लाना है ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए वन ए टू ए थ्री तीनों को वैल्यू जीरो आना चाहिए। यदि ए वन ए टू ए थ्री तीनों को वैल्यू जीरो आ जाए तभी ये कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, रैखिकता स्वतंत्र सदिश कहलाएंगे। बता ए वन के साथ किसका मल्टीप्लाई है, अल्फा वन का, अल्फा वन की वैल्यू क्या है बताओ, 100 है, ओके। प्लस ए टू के साथ मल्टीप्लाई है अल्फा टू, अल्फा टू है 010। प्लस ए थ्री के साथ मल्टीप्लाई है अल्फा थ्री, ए थ्री इंटू आएगा 001 और इज इक्वल टू लिखा हूँ मैं जीरो, ठीक है। ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ए वन का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, ये आएगा ए वन कामा जीरो कामा जीरो, प्लस ये आएगा जीरो कामा ए टू कामा जीरो, प्लस ए थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो कामा जीरो कामा ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट प्लस करो क्या होगा, ये आएगा ए वन प्लस जीरो प्लस जीरो, दूसरा आएगा जीरो प्लस ए टू प्लस जीरो, और तीसरा वाला आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया आपको, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट प्लस होगा, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड प्लस होगा, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका थर्ड प्लस होगा, ये आएगा ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री,
इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये जीरो को आप लिख सकते हो जीरो कामा जीरो कामा जीरो, ये जीरो को आप जीरो 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 लिख सकते हो। अब कंपेयर कीजिए, चलिए लेफ्ट और राइट दोनों को कंपेयर कीजिए, बताओ ए वन के वैल्यू क्या आएगा, तुलना कीजिए लेफ्ट और राइट। ए टू के वैल्यू क्या आएगा, ए थ्री के वैल्यू क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं ए वन ए टू ए थ्री तीनों जीरो आ रहे हैं। तो बताइए ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है लीनियरली डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट यस, रैखिकता स्वतंत्र है, क्योंकि लीनियरली इनडिपेंडेंट के लिए यदि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो ऑल कोफिशियंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर रैखिक संचय इसका जीरो है तो जितने भी गुणांक है ए वन ए टू ए थ्री तीनों के तीनों शून्य होंगे, तभी वो इनडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ जाता ना तो डिपेंडेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे दस दस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर लीनियरली इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट। तो आप लोगों को इनडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे अंतर समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. है ना। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है और डिपेंडेंट में क्या होता है, दोनों में आपको अच्छा समझाया था। देखो मान लो मैंने लिखा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो, और ये सूचित कर रहा है कि ए वन भी जीरो है और ए टू भी जीरो है, दोनों के दोनों जीरो है। तो बताओ ये किसका डिफिनेशन होगा, इसमें अल्फा वन अल्फा टू इनडिपेंडेंट होगा, है ना। यदि ऐसा आ जाए, यदि यदि ऐसा आता है इफ, है ना, यदि ऐसा आ जाए तो आप बोलोगे तो अल्फा वन तथा अल्फा टू रैखिकता है स्वतंत्र होंगे, रैखिकता क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, है ना। देन अल्फा वन एंड अल्फा टू विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यदि इफ यदि ए वन ए टू की वैल्यू जीरो नहीं है, ए वन ए टू की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन ये सूचित करता है कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू जीरो है, ए वन ए टू जीरो नहीं है लेकिन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, बताओ अल्फा वन अल्फा टू क्या होगा, डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। तो आप बोलोगे तो अल्फा वन तथा अल्फा टू रैखिकता है, रैखिकता है परतंत्र हैं, रैखिकता परतंत्र होंगे, ठीक है। देन अल्फा वन एंड अल्फा टू आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप लोगों को इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट दोनों समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो? यस, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। हिंदी में आएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित सदिशों, निम्नलिखित सदिशों के समुच्चय, निम्नलिखित सदिशों के समुच्चय के लिए रैखिकता, रैखिकता स्वतंत्र या परतंत्र, या परतंत्र, रैखिकता स्वतंत्र या
परतंत्र की जांच कीजिए। रैखिक या स्वतंत्र या परतंत्र की जांच कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जा रहेगा। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है 2, 3, -1। सेकंड वेक्टर है -1, 4, -2 और थर्ड वेक्टर है 1, 18, -4। ये तीन वेक्टर हैं। आपको ये चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड क्वेश्चन है 2, 3, 1, -1, 4, -2 और 1, 18, -4। बताओ दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर मैंने किया है? थोड़ा अंतर है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? वेक्टर थोड़ा यहाँ पे 2, 3, -1 है, यहाँ पे 2, 3, 1 है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 1, 3, 2, 1, -7, -8 और तीसरा वेक्टर है 2, 1, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन अलग अलग हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। हमें चेक करना है ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 0, 2, -4। सेकंड वेक्टर है 1, -2, -1। थर्ड वेक्टर है 1, -4, 3। इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया बाकी बन जाएगा सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। तो हमें चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं वह लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, सलूशन ऑफ, ठीक है। तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है ना, दिए गए सदिशों का समुच्चय है, बताइए। पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो 2, 3, -1, -1, 4, -2 और 1, 18, -4, यही है, यस या नो? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेट ऑफ वेक्टर्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये है 2, 3, -1, -1, 4, -2, 1, 18, -4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने मान लिया अल्फा वन है 2, 3, -1, अल्फा टू है -1, 4, -2 और अल्फा थ्री है 1, 18, -4। आपको अल्फा वन अल्फा टू, इसको हमने अल्फा वन मान लिया, इसको अल्फा टू, इसको अल्फा थ्री, तीन वेक्टर दिए गए हैं क्वेश्चन में। हमें ये चेक करना है ये जो वेक्टर्स हैं यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो चलिए हम निकालते हैं a1 alpha 1 + a2 alpha 2 + a3 alpha 3 = 0 लेकर। अगर a1 a2 a3 तीनों के लिए 0 आ जाए, अगर a1 भी 0 आता है, a2 भी 0 आता है, a3 भी 0 आता है, तो बताओ ये क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट? इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। अगर a1 भी 0 आ जाए, a2 भी 0 आ जाए, a3 भी 0 आ जाए, तो ये जो वेक्टर्स है वो डिपेंडेंट कहलाएंगे कि इंडिपेंडेंट कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, है ना। और अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ जाए, सपोज इसका वैल्यू 2 आ गया या इसका वैल्यू 5 आ गया, इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो डिपेंडेंट कहलाएंगे, ओके। चलिए तो हम देखते हैं क्या आता है। तो a1 अल्फा 1 के वैल्यू है 2, 3, -1 + a2, अल्फा 2 का वैल्यू है -1, 4, -2 और + a3 और अल्फा 3 का वैल्यू है 1, 18, -4 = 0, ठीक है। तो a1 into alpha 1 + a2 into alpha 2
प्लस ए थ्री इंटू अल्फा थ्री इज इक्वल टू हमने जीरो लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू क्या आता है। तो ये आ जाएगा टू ए वन, देखो टू ए वन इसलिए लिख रहा हूँ, ए वन का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, तो टू ए वन कामा थ्री ए वन कामा माइनस ए वन, ये समझ में आया, ए वन का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। ये लाइन देखो आ गया प्लस, अब ए टू मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, तो माइनस ए टू फोर ए टू माइनस टू ए टू, ए टू का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, और फिर प्लस ए थ्री मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ये आएगा ए थ्री एटीन ए थ्री और माइनस फोर ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो ए थ्री है इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ये आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? देखो ए वन का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ए टू का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा और ए थ्री का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा। ये लाइन समझ में आया यहाँ से? हाँ yes, हम ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट ऐड होगा, तो टू ए वन माइनस ए टू और प्लस ए थ्री। ठीक है, अब इसका सेकंड इसका सेकंड इसका सेकंड, तो थ्री ए वन प्लस फोर ए टू प्लस एटीन ए थ्री, और इसका थर्ड इसका थर्ड इसका थर्ड, तो माइनस ए वन माइनस टू ए टू माइनस फोर ए थ्री और इज इक्वल टू, राइट साइड में जीरो है, इसको आप जीरो कामा जीरो लिख सकते हो। ये सब में ऐड करने आ जाएगा आपको, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट प्लस हो गया, फिर इसका सेकंड इसका सेकंड इसका सेकंड प्लस हो गया, फिर इसका थर्ड इसका थर्ड इसका थर्ड प्लस हो गया, प्लस करने आ जाएगा। हाँ या ना? देखो यस सर आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, है ना। अब आपको कंपेयर करना है, राइट साइड में जीरो है तो जीरो को जीरो कामा जीरो कंपेयर कीजिए। कंपेयर मतलब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा, तो टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा। दूसरा इक्वेशन आएगा थ्री ए वन प्लस फोर ए टू प्लस एटीन ए थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा। और तीसरा इक्वेशन होगा माइनस ए वन माइनस टू ए टू माइनस फोर ए थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कंपेयर करना? देखो है ना, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगे इस प्रकार से, इतना इक्वल टू जीरो आएगा, इतना इक्वल टू जीरो आएगा, इतना। अब कोई भी दो इक्वेशन को हम क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, कोई भी दो, आप वन टू को ले सकते हैं या वन थ्री को ले सकते हैं या टू थ्री, कोई भी दो इक्वेशन को हम क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे। लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस वन एंड टू बाई क्रॉस रेशियो मेथड, क्रॉस रेशियो मेथड, है ना। कोई भी हिंदी में लिखोगे समीकरण एक और दो को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, समीकरण एक और दो को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो आप चाहो तो वन और थ्री को भी सॉल्व कर सकते हो या टू थ्री, कोई भी दो इक्वेशन लेना है तो हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। देखो आपको लिखना है ए वन फिर इक्वल टू साइन, फिर यहाँ लिखना है माइनस ए टू फिर इक्वल टू साइन और ए थ्री, याद रखना पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ए वन के नीचे इक्वेशन नंबर थ्री को मत देखना, केवल वन और टू को देखना, ए वन के नीचे ए वन को बंद कर दीजिए, ए वन वाला टर्म को मत देखिए, और यहाँ जो कोफिशेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। बताओ यहाँ माइनस वन इंटू एटीन क्या आएगा? माइनस एटीन, और फिर इसको इसका कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, वन इंटू फोर, बीच में माइनस साइन देना, बताओ वन इंटू फोर क्या होगा? फोर होगा, है ना। तो माइनस वन इंटू एटीन माइनस एटीन, फिर माइनस साइन रहेगा और वन इंटू फोर फोर हो गया। अब माइनस ए टू के नीचे इस ए टू को बंद कर दोगे, ए टू को बंद कर देना इस प्रकार से, ए टू को जब बंद कर देंगे तो क्या क्या दिखेगा? ए वन का कोफिशेंट ए थ्री का कोफिशेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? 36 माइनस थ्री आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, अब ए थ्री के लिए इस ए थ्री को बंद कर दो, ए थ्री को बंद कर दो और को मल्टीप्लाई कीजिए, एट प्लस थ्री आएगा,
क्या आपको क्रॉस SMS सॉल्व करने आता है, एक बार और सिखाऊं कि आ जाता है? आता है ना, याद रखना पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से लेना है। और इसका जब A1 के नीचे की बात आएगी तो A1 वाला कोफिशियंट को मत देखना, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे। जब A2 के नीचे के लिखने की बात आएगी, माइनस A2 के नीचे लिखना है तो A2 वाले को बंद कर देना, और जब A3 के नीचे तो A3 वाले को बंद कर देना। तो ये आ जाएगा आपका A1 अपान माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस A2 अपान क्या आएगा 33 इज इक्वल टू A3 अपान 11। ठीक है, तीनों में 11 कॉमन आएगा। देखो तीनों का डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ भी 11 है, यहाँ 33, 11 से डिवाइड कर दो। A1 अपान माइनस 2 इज इक्वल टू A2 अपान माइनस 3 इज इक्वल टू A3 अपान 1। ये समझ में आया? देखो चलिए, तो आपने देखा A1 इज इक्वल A1 अपान माइनस 2 आया, A2 अपान माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर हम K मान लें, से माना हमने अगर K मान लिया, बताओ A1 के लिए क्या आएगा? माइनस 2K। बताओ A2 के वैल्यू क्या आएगा? माइनस 3K होगा, और A3 के वैल्यू क्या आ जाएगा? कोई डाउट है इक्वेशन 4 में? बोलो। अब इस A1 A2 A3 का जो भी वैल्यू आया है उसे इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, क्योंकि ये जो हमने 1 और 2 को सॉल्व किया तब आया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें A1 A2 A3 का वैल्यू मिला। अब हमें K का वैल्यू निकालना है, तो K का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में A1 A2 A3 का वैल्यू रखेंगे, तो हमें K का वैल्यू पता चल जाएगा। अब लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 हिंदी में लिखोगे अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 आप देखिए, इक्वेशन 3 अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बताइए क्या इक्वेशन 3? देखो तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 3 क्या है बताओ? यह है माइनस A1 माइनस 2A2 माइनस 4A3 इज इक्वल टू 0, यही है क्या? बोलो। यस सर। है ना, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में आपने A1 A2 A3 वैल्यू निकाल लिया है, उसको यहाँ रखेंगे। यदि हमें K का वैल्यू 0 मिल जाए तो A1 A2 A3 तीनों 0 हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें K का वैल्यू ना मिले, ना मिले मतलब 0 इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है K का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी, जो भी, मतलब A1 A2 A3 जो है वह नॉन जीरो हो जाएंगे, मतलब A1 A2 A3 K पर डिपेंड हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं K का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है, है ना, या तो हमें K का वैल्यू मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो चलो बताओ इक्वेशन 4 से बताओ A1 की जगह क्या रखें? बोलो इक्वेशन 4 देखो, माइनस 2K। ओके, इक्वेशन 4 से A2 का वैल्यू बताओ? माइनस 3K। और इक्वेशन नंबर 4 से ही A3 को वैल्यू बताओ? K। तो हमने A1 की जगह रखा माइनस 2K, A2 प्लस रखा माइनस 3K, A3 प्लस रखा K, हमने इक्वेशन नंबर 4 से देख के रखा है, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब माइनस में प्लस जाएगा 2K आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, बताइए क्या आएगा? 6K आएगा, और माइनस आएगा 4K। ठीक है, बताइए 2K प्लस 6K माइनस 4K क्या होगा? बोलो 2K प्लस 6K 4K इज इक्वल टू 0 हो गया, 4K इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, 0 से कट जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K का वैल्यू 0 आ गया, इक्वेशन 4 में रख देते हैं K का वैल्यू। इक्वेशन 4 आपको दिखाई दे रहा है? देखो इक्वेशन 4, यस सर। K का वैल्यू क्या आया बताओ? 0 आया, K का वैल्यू क्या आया? 0 आया, है ना। तो दस फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4, अतः समीकरण 4 से बताओ A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा। इक्वेशन 4 देख लो, K का वैल्यू 0 पुट करना, K का वैल्यू 0, यस A1 भी 0 होगा, A2 भी 0 होगा, A3 भी 0 होगा, तीनों 0 आ रहे हैं। बताइए हमारा जो गिवन वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो आप लिखोगे हेंस द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर
लीनियरली इंडिपेंडेंट हिंदी में लिखोगे अतएव सदिश अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री रैखिकतः स्वतंत्र है। समझ में आ गए? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलिए, है ना। अब डिपेंडेंट कब आता हूँ मैं बताया था। देखो, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड से के पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे माइनस टू के होता, प्लस टू के ना होकर माइनस टू के होता, तो माइनस टू के प्लस सिक्स के माइनस फोर के क्या आता बता। मान लो यहाँ माइनस टू के होता तो क्या आता लेफ्ट साइड? जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाता, के वैल्यू नहीं मिलता, के पूरा कैंसिल हो जाता ना। अगर इधर भी जीरो आ जाता, इधर भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, हमें के का कोई भी वैल्यू नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ए वन ए टू ए थ्री के पर डिपेंड होता। तो उस केस में हम बोलते कि हमारा जो वेक्टर है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, वह लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिकता परतंत्र है, ऐसा हम कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट अच्छे समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। तो हम सेकंड पार्ट में आते हैं। आप लोगों को मैंने इस प्रकार से चार अलग अलग क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, अल्फा वन क्या है, अल्फा टू क्या है, अल्फा थ्री क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बताइए माना अल्फा वन क्या ले, टू थ्री वन, ओके। अल्फा टू क्या ले, माइनस वन फोर माइनस टू, और अल्फा थ्री क्या ले, अल्फा थ्री 118 माइनस फोर। चलिए, है ना। तो इसको आपने अल्फा वन नाम दिया, इसको अल्फा टू, इसको अल्फा थ्री, तीन वेक्टर हमें दिए गए हैं, ठीक है। आपको ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो लेके चलना है, और आपको ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बताओ, ए वन के साथ मल्टीप्लाई है अल्फा वन का, अल्फा वन है टू थ्री वन, अल्फा वन है टू थ्री वन, प्लस अल्फा टू है माइनस वन फोर माइनस टू, प्लस अल्फा थ्री है वन एटीन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो बताओ, ए वन का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, हाँ या ना। ए वन का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा तो क्या आएगा, टू ए वन कामा थ्री ए वन कामा ए वन, प्लस ए टू का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा तो माइनस ए टू फोर ए टू माइनस टू ए टू, और फिर प्लस ए थ्री का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा ए थ्री एटीन ए थ्री और माइनस फोर ए थ्री इज इक्वल टू आएगा जीरो। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो, ये जो ए वन है उनका मल्टीप्लाई होगा, ए टू का मल्टीप्लाई होगा, ए थ्री का। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे मतलब इसका फर्स्ट प्लस होगा, इसका सेकंड प्लस होगा, इसका थर्ड प्लस होगा। तो अब इन तीनों को हम प्लस करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चलिए, तो जिनको ऐड करने आता है बताइए, टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री आएगा, सेकंड आएगा थ्री ए वन प्लस फोर ए टू प्लस एटीन ए थ्री आएगा, थर्ड क्या आएगा बताओ। थर्ड क्या आएगा, ए वन माइनस टू ए टू माइनस फोर ए थ्री, और इज इक्वल टू लिखोगे जीरो कामा जीरो कामा जीरो, ओके। ये समझ में आया आपको, ऐड करना, इसका फर्स्ट ऐड हो गया, सेकंड ऐड हो गया, और थर्ड ऐड हो गया। आ गया समझ में, हाँ या ना? यस सर। ओके, चलिए अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड कोफिशियंट को। तो टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा, इक्वेशन नंबर वन देते हैं। सेकंड आएगा थ्री ए वन प्लस फोर ए टू प्लस एटीन ए थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा, और थर्ड में ए वन माइनस टू ए टू प्लस नहीं माइनस सॉरी माइनस फोर ए थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो कंपेयर हमने कर दिया, इतना इक्वल टू जीरो आएगा, इतना इक्वल टू जीरो आएगा, इतना इक्वल टू जीरो आएगा। अब हमें क्रॉस रेशियो मेथड से
कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, वन और टू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा सॉल्विंग इक्वेशंस वन एंड टू बाय क्रॉस रेशियो मेथड, बाय क्रॉस रेशियो मेथड। हिंदी में लिखोगे समीकरण एक तथा दो को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, समीकरण एक और दो को वज्र गुणन विधि से हल करने पर a1 माइनस a2 और a3। बता a1 के नीचे क्या आएगा, सोच के बताओ। माइनस 18 माइनस 4। ओके, माइनस a2 के नीचे 36 माइनस 3। a3 के नीचे 8 प्लस 3। क्या ये समझ में आता है सब बच्चों को, क्रॉस रेशियो मेथड सॉल्व करना? आपको इक्वेशन वन और टू को ही देखना है, थ्री को मत देखना, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से a1 के नीचे आएगा -22, -a2 के नीचे आएगा 33 और a3 के नीचे आएगा 11। यहाँ पर आप देख रहे हो 11 तीनों में कॉमन, 11 से तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से अगर डिवाइड करें तो a1/-2 आएगा, a2/-3 आएगा और a3/1 आ जाएगा। 11 के टेबल से डिवाइड कर दें, देखिए समझ में आया क्या, बोलो। यस। चलिए अगर हम इज इक्वल टू के मान लें, बताओ a1 की वैल्यू क्या होगा? -2k। ओके, -2k। a2 की वैल्यू क्या होगा? -3k। और a3 की वैल्यू क्या होगा? k। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब हमें k का वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, हिंदी में लिखोगे अब समीकरण 3 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आएगा और आना भी चाहिए कि इक्वेशन नंबर 3 का ही क्यों यूज करेंगे, हमारे पास तो तीन इक्वेशन है 1, 2, 3, तो 3 से ही क्यों निकालेंगे। आपको पता है ये जो a1 a2 a3 वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया तो आया है, तो कौन सा इक्वेशन छूट गया था बताओ? इसमें तीन इक्वेशन है ना 1, 2, 3, थर्ड वाला छूट गया था ना, तो थर्ड ही इक्वेशन से आपको k निकालना है, फर्स्ट सेकंड से नहीं निकालना है, थर्ड से जो छूट गया है। अगर आप 2 और 3 को सॉल्व करके क्रॉस रेशियो मेथड यूज करते हैं, 2 और 3 से निकालते हैं, तो जो a1 a2 a3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 और 2 को सॉल्व किया है, लिखा है सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमने a1 a2 a3 निकाला है, तो हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करना होगा बताओ? 1 और 2 को क्यों नहीं कर सकते? अभी तो सॉल्व किए ना, 1 और 2 को सॉल्व किए तभी तो हमें a1 a2 a3 वैल्यू मिला। अब k का वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 का यूज करना होगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए इक्वेशन 3 हमारा है a1-2a2 और -4a3=0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए a1-2a2-4a3=0। अब बताओ a1 की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो इक्वेशन फोर से माइनस टू के। a2 की वैल्यू बताओ -3k और a3 की वैल्यू बताइए के। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 से बताया है, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से। ये आएगा -2k + 6k - 4k = 0, ठीक है। बताओ क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, -2k + 6k - 4k = 0। वेरी गुड, 0 = 0। इसका मतलब हमें k का वैल्यू नहीं मिल रहा है, k का वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि k का वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, k का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं, है ना। अगर हम k का वैल्यू 1 ले लें तो बताओ a1 a2 a3 तीनों के लिए 0 आएगा क्या, बोलो? Yes, sir. नहीं आएगा, k का वैल्यू 0 लेने से ही 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और हमें k का वैल्यू मिला ही नहीं, देखो 0 = 0 आ गया, हमें k का वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ है कि हम k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं,
ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं के का, तो कुछ भी वैल्यू भी लें ए वन ए टू ए थ्री हमें नॉन जीरो मिलेगा। तो बताओ जब ए वन ए टू ए थ्री जीरो नहीं आ रहा है उस केस में हम लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे डिपेंडेंट बोलेंगे? डिपेंडेंट। यस, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस ए वन ए टू ए थ्री आर डिपेंड ऑन के, डिपेंड ऑन के, देयरफोर द गिवन वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर लीनियरली, क्या बोलोगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? बोलो बोलो, क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलो। इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं बताओ, इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? यस, के का वैल्यू जीरो आता तब, जब के जीरो आता है तो ए वन ए टू ए थ्री तीनों जीरो आ जाते, जब के जीरो होता तो ए वन भी जीरो ए टू भी जीरो ए थ्री जीरो, तब इंडिपेंडेंट होता, मतलब ए वन ए टू ए थ्री तीनों जीरो आता तब। लेकिन यहाँ तो ए वन ए टू ए थ्री के पर डिपेंड आ रहा है, हिंदी में ऐसे लिखोगे, चूंकि ए वन ए टू ए थ्री का मान के पर निर्भर है, के पर निर्भर है, अतः दिए गए सदिश अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री रैखिकतः परतंत्र है। रैखिकता क्या है? परतंत्र है। समझ में आ गया आप लोगों को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं? दो एग्जांपल हमने दिए है ना। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का, बहुत ही शॉर्टकट तरीका, इतना लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक कर पाएंगे हमारा वेक्टर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक और मेथड बता रहा हूँ जिसका मैंने हेडिंग डाला है सेकंड मेथड, है ना, हिंदी लिखेंगे द्वितीय विधि। इस मेथड से भी हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता देंगे बहुत इजी तरीके से। तो बताओ पहला क्वेश्चन हम करते हैं, सोल्यूशन ऑफ वन, ये कर चुके हैं पहला क्वेश्चन, एक बार हम और करते हैं इस मेथड से। तो हमारा गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज, है ना, हिंदी में लिखेंगे दिए गए सदिशों का समुच्चय है, दिए गए सदिशों का समुच्चय है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। टू थ्री माइनस वन फोर माइनस टू और वन एटीन माइनस फोर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए यही क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू थ्री माइनस वन फोर माइनस टू वन एटीन माइनस फोर, ये क्वेश्चन है देखो। तो मैं आप लोगों को सेकंड मेथड यहाँ बता रहा हूँ, सेकंड मेथड में हमारा क्वेश्चन यही है, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने जो कराया था, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आया था, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है टू थ्री माइनस वन फोर माइनस टू वन एटीन माइनस फोर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है ना। अब बताइए मुझे इस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया था, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, बोलो, इंडिपेंडेंट आया था, है ना, और बहुत लंबा चौड़ा तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। अभी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सरल मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है यहाँ, है ना, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ए, और मैट्रिक्स ए कैसे बनाओगे देखो, आपको ये जो वेक्टर्स है टू थ्री माइनस वन, इसको आपको जैसा का तैसा लिख देना, देखो टू थ्री माइनस वन, आप चाहो तो रो में लिख सकते हो या कॉलम में, ठीक है। यस यस सर ओके। सेकंड जो रो होगा
माइनस वन फोर माइनस टू, और थर्ड रो होगा 118 माइनस फोर। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फर्स्ट रो में लिखिए, इसको सेकंड रो में, इसको थर्ड रो में। आप चाहो तो इसको फर्स्ट कॉलम में, इसको सेकंड कॉलम में, इसको थर्ड कॉलम में, ऐसा ना बना के आप ऐसा ही बना सकते हो एक अवेले ऐसा, मतलब 2 3 माइनस वन माइनस वन फोर माइनस टू 118 माइनस फोर, दोनों चलेगा कोई भी, या तो ऐसा बनाओ या ऐसा, है ना। मतलब ये जो वेक्टर्स लिखा है ना, इसको आप फर्स्ट रो में रखिए, सेकंड वेक्टर को सेकंड रो में, और थर्ड जो वेक्टर है थर्ड रो में, या इसको आप फर्स्ट कॉलम में रखिए, इसको सेकंड कॉलम में, इसको थर्ड कॉलम में, या तो आप ऐसा बनाइए या ऐसा, कोई भी चलेगा। ठीक है, बना लोगे मैट्रिक्स ए? बोलो। यस सर। है ना, तो मैट्रिक्स ए आपको बनाना है, पहला काम ये है। आप ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आएगा 2 3 माइनस वन माइनस वन फोर माइनस टू 118 माइनस फोर। क्या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है, हाँ या ना? यस सर। है ना, मैंने आपको कहा है आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, है ना, दोनों में से कोई भी चलेगा। डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, इसका भी निकालो वही आंसर आएगा, इसका भी निकालो वही आंसर आएगा, क्योंकि आपको बता देता हूँ डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसमें रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें तो भी उसका वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट का एक खास रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 2 3 5 1, इसका अगर हम सॉल्व करें तो 2 - 15 - 13 आएगा, और अगर इसी को रो को अगर मैं कॉलम में लिख दो ऐसे, तो भी ये -13 ही आएगा। अब सॉल्व करो, बताइए क्या आएगा, जो चीज़ रो में था उसको कॉलम में लिख दिया, अब बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो, 2 - 15 - 13 ही आएगा। आपको दिख रहा है दोनों का आंसर सेम आता है। yes, मतलब डिटर्मिनेंट में एक खास रूल है कि रो को अगर कॉलम में लिख दिया जाए, जैसे इसमें रो में 2 3 है, यहाँ कॉलम में 2 3 है, रो में 5 1 है, कॉलम में यहाँ 5 1, रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू वही आता है। समझा? तो मैंने आपको कहा है कि आप मैट्रिक्स ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स आपको रो के फॉर्म में लेके बना सकते हो इनको, या इनको कॉलम के फॉर्म में लेके भी आप बना सकते हो। अब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाए, अगर इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, याद रखना। यदि इसका वैल्यू शून्य आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो रैखिकता परतंत्र कहलाएगा, डिपेंडेंट। और अगर इसका वैल्यू जीरो ना आए, मतलब जीरो के अलावा कोई दूसरा वैल्यू आ जाए, अगर ये नॉन जीरो आ जाए, तो लीनियरली इनडिपेंडेंट कहलाएगा, रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा। बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, आप लोग बताओ। इसके पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, इनडिपेंडेंट आया है, डिपेंडेंट बताइए, इनडिपेंडेंट आया था, तो इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा, इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा, तभी इनडिपेंडेंट कहलाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, अभी आपके सामने 2 के साथ आएगा -15 + 36, फिर -3 के साथ आ जाएगा 4 + 2, और -1 के साथ आ जाएगा -18 - 4। ये सॉल्व करने आता है क्या आप लोगों को, सिखा दूं? यस सर, आता है ना। 2 के साथ आएगा 4 - -1 - 15, और 18 - -2 - 36 + 36 हो जाएगा। फिर 3 को अपन माइनस में लेंगे, है ना, सेकंड वाला है तो -3, और ये आ जाएगा माइनस, इसको बंद कर देंगे तो 4, और ये +2 हो जाएगा, -2 + 2। फिर -1 के साथ आएगा, ये आ जाएगा -18 - 4। तो बताओ 2 × क्या आएगा, ये आ जाएगा 20, -3 × आएगा 6, और -1 × आएगा -22, ये आएगा 40, -18 + 22। बताओ क्या आएगा, 40 प्लस में 22 प्लस में, तो 62 - 18, क्या आंसर आएगा बताओ, बताइए 62 - 18, बोलो 44। ओके, तो आप बताओ
इसका वैल्यू जीरो आया कि नॉन जीरो आया? डिटरमिनेंट यस, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। जब इसका वैल्यू नॉन जीरो आए तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिकता स्वतंत्र बोलेंगे। तो आप बोलोगे हेंस द गिवन वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, या गिवन वेक्टर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तो हमने माना ही नहीं है ना, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉन जीरो आता तो इंडिपेंडेंट है ना, याद रखना इंडिपेंडेंट। हिंदी में लिखोगे अतः दिए गए सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, अतः दिए गए सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसी मेथड से। सेकंड क्वेश्चन में गिवेन गिवेन सेट ऑफ वेक्टर्स इज, ठीक है, दिए गए सदिशों का समुच्चय है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था 2, 3, 1 पहला वेक्टर, सेकंड -1, 4, -2 और थर्ड वेक्टर था 1, 18, -4। ये क्वेश्चन था, याद है आपको, मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन एक बार। ये देखिए क्वेश्चन, आप देखो बताइए सेकंड क्वेश्चन यही था क्या? देखो है ना, यही क्वेश्चन है। अब बताओ ए का वैल्यू क्या लेंगे? आप चाहो इसको रो में बता सकते हो कॉलम में। तो 2, 3, 1 आएगा पहला रो, सेकंड -1, 4, -2 और थर्ड रो 1, 18, -4। ये आ जाएगा ए का वैल्यू, निकालने आ जाएगा ए का वैल्यू, यस कि नो? आ जाएगा। अब आपको निकालना है ए का डिटरमिनेंट, ए का क्या निकालने हैं? डिटरमिनेंट। तो 2, 3, 1 -1, 4, -2 1, 18, -4। बताइए सॉल्व करो तो इसको, अगर 2 × -16 + 36 -3 × ये हो जाएगा 4, 4 + 2 होगा है ना, और +1 × हो जाएगा -18, -4 ठीक है। तो 2 × आएगा 20, -3 × आएगा 6 और प्लस ये जाएगा -22, ये आ जाएगा आपका 40 - 18 - 22। बताओ क्या आंसर है? देखो जीरो आएगा जी। yes, अगर जीरो आ जाए तो क्या बोला था मैंने बताओ? जीरो आ जाए तो डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट कहलाएगा, जीरो आ जाए तो डिपेंडेंट कहलाएगा, और जीरो ना आए तो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो आप लिखोगे हेंस गिवेन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, अतः दिए गए सदिश रैखिकता परतंत्र है, डिपेंडेंट, अतः दिए गए सदिश रैखिकता परतंत्र है। कौन सा इजी लगा, पुराना वाला मेथड कि ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, बताइए?